वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद तुम कैसे अब्रॉड में जा सकते हो और क्या स्कोप है, क्या सैलरी मिलने वाली है, कंप्लीट प्रोसेस क्या होगी, तुम्हें कैसे यहाँ पर अगर तुम नर्सिंग अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो कम्प्लीट जो है इस वीडियो में मैं गाइड करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तुम्हें क्या करते जाना है बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में मैं गाइड करूँगी, सब कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है सब कुछ मैं बता दूंगी इस वीडियो में, एंड उसके साथ साथ कितनी यहाँ पर तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद अगर तुम्हारी वहाँ पर जॉब लग जाएगी तो तुम्हें कितनी सैलरी मिल जाएगी, क्या तुम कितने लाखों में यहाँ पर कमा पाओगे, तो सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट गाइडेंस से रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है, तो ऐसी लगातार इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि अगर तुम अब्रॉड में वर्क करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी नर्सिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो है नर्सेज के पास जो है काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इंडियन नर्सेज के पास, अपने कंट्री में भी वर्क कर सकती हैं और किसी अदर कंट्री में भी वर्क कर सकती हैं। बीएससी नर्सिंग का यही डिसएडवांटेज होता है कि जो नर्सेज है वो इंडिया में अंडर पेड है, थोड़ा सा कम है उनको पे किया जाता है एज कंपेरिजन टू द अब्रॉड। अब्रॉड में जो है काफ़ी अच्छा पे स्केल है, काफ़ी अच्छा पे किया जाता है। तो तुम अब्रॉड में अगर जाना चाहते हो, काफ़ी बच्चों का ड्रीम होता है, तो तुम जा सकते हो। काफ़ी ईजी प्रोसेस है जाने के लिए, कंप्लीट मैं जो है तुम्हें बताने वाली हूँ। तो यूके यूएस में तुम कैसे वर्क कर सकते हो एज ए रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है। तुम जब बीएससी नर्सिंग करने के बाद या फिर मैं बोलूँ एमएससी नर्सिंग करने के बाद या फिर कोई नर्सिंग प्रोग्राम करने के बाद जो है तुम एज लाइक आरएन वहां पर वर्क करोगे, आरएन तभी बनोगे तब तुम जब जाके तुम बीएससी नर्सिंग करोगे या फिर तुमने एमएससी नर्सिंग कर रखा होगा, वरना जो है तुम एलपीएन वगैरह ही बनोगे, ठीक है। रजिस्टर्ड नर्स तभी बनते हैं जब बीएससी नर्सिंग करते हैं या फिर एमएससी नर्सिंग की रखी होती है या फिर मैं बोलूँ जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक की रखी होती है, तभी जाके तुम आरएन बनोगे। तो अगर तुम एज लाइक आरएन वर्क करना चाहते हो, आरएन की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, तो यूएस यूके में आरएन तुम्हें अगर बाद में एज लाइक आरएन वर्क करना चाहते हो तो कंप्लीट स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जो भी नर्सिंग की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करनी होगी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर बोलूँ कि रिकॉग्नाइज्ड इंडियन कॉलेज, ठीक है। रिकॉग्नाइज से मेरा मतलब ये है कि जो दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एसोसिएट हो या फिर अप्रूव्ड हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेज है प्राइवेट गवर्नमेंट जो कि इंडिया में अभी चल रहे हैं वो रजिस्टर्ड है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से वो रजिस्टर्ड है। तो तुमने फर्स्ट काम तो तुम्हें कर लेना, सबसे पहले नर्सिंग एजुकेशन यहां पर कंप्लीट कर लेनी है, सेकंड तुम्हें रजिस्टर करना है योरसेल्फ इन द स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तुमने अपने आप को स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर करना है, तो कॉलेज वाले वो रजिस्ट्रेशन हमें करके दे देते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी तुम्हें कुछ करने की नहीं है। और उसके साथ साथ बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इंग्लिश में तुम्हें रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और सब कुछ जो है काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, मतलब तुम इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए इंग्लिश में। कहीं भी अगर तुम अब्रॉड में वर्क करना चाहते हो तो तुम्हें ड्यूरिंग योर फोर ईयर प्रोग्राम या फिर नर्सिंग के टाइमिंग में तुम्हें क्या कर लेना है कि जितना भी तुम्हारा नर्सिंग का सिलेबस है तुम्हें उसमें एक्सपर्ट हो जाना है और उसके साथ साथ इंग्लिश में जो है तुम्हें एक्सपर्ट हो जाना है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वह तुम्हारी चेक की जाती है आगे, ठीक है। देन यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम जो है तुम्हें कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब्रॉड में जाने के लिए एनक्लेक्स आरएन एंट्रेंस एग्जाम को तुम्हें क्लियर करना होगा, सबसे पहले उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन उसको क्लियर करना होगा, ठीक है। उसको क्लियर करने के बाद जब तुम ये कंप्लीट कर लोगे, जब तुम यहाँ पर से रजिस्टर हो जाओगे, तो जब मतलब जब तुम एनक्लेक्स आरएन का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसको क्लियर करने के बाद तुम्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा टू प्रैक्टिस इन डिफरेंट कंट्रीज। अब्रॉड में वर्क करने के लिए जो है तुम्हें रजिस्टर नंबर या फिर मैं बोलूँ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अब्रॉड में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद तभी जाकर तुम जो है वर्क कर सकते हो और राइट एम्प्लॉय के लिए वहाँ पर जाकर जो है सर्च कर सकते हो, ठीक है। यूके में कैसे यहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं सभी हम डिफरेंट लाइक कनाडा में यूके में सब में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूके में करें हम नर्सिंग एजुकेशन या फिर बोलो कि नर्सिंग की जो पढ़ाई है सबसे पहले कंप्लीट कर लेनी है, देन स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अपने आप को रजिस्टर कर देना है। इंग्लिश में तुम्हें बिल्कुल एक्सेलेंट होने चाहिए और जो है तुम्हें यूके के लिए जो है अप्लाई करना होगा, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन टू द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑफ यूके, जहाँ पर भी तुम्हें वर्क करना है उसके लिए तुम्हें जो है रजिस्ट्रेशन के लिए
अप्लाई करना होगा। और यूके की जो नर्सिंग काउंसिल है उसका नाम है NMC, ठीक है, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, ठीक है। जैसे कि इंडिया की है इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, वैसे ही यूके की है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल NMC, ठीक है। तो हर किसी की काउंसिल जो अलग अलग है उनके लिए तुम्हें अप्लाई करना होगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है तुम्हें कंप्लीट करना होगा। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें एक राइट जॉब के लिए जो है सर्च करना पड़ता है। बात करें कनाडा में जाने के लिए, कनाडा में तुम कैसे जा सकते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वहाँ की रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विस, मतलब कि तुम्हें कंप्लीट असेसमेंट यहाँ पर तुम्हारा होने वाला है, तुम्हारे प्रैक्टिकल और मेडिकल वर्क से रिलेटेड योर इंग्लिश के स्कोर्स, ठीक है, इंग्लिश IELTS का यहाँ पर टेस्ट तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। IELTS के लिए तुम्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा, तुम्हें कनाडा में वर्क करना है, तुम्हारे इंग्लिश कंप्लीट टेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। तुम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो जो भी स्टेट होगा, जिस भी कनाडा के स्टेट में तुम वर्क करना चाहते हो, वो उसका शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा कि तुम्हें इसमें वर्क करना है, तो उसके रिगार्डिंग वो जो है स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग को ये भेज देंगे कि इस पर्टिकुलर बच्चे को या फिर इसको जो है यहाँ पर वर्क करना है। वो आगे जाने के बाद जो है तुम्हारा वहाँ पर नोटिस में आ जाएगा और तुम्हें जो अप्रूवल वहाँ पर जो है मिल जाएगा। NCLEX RN का एंट्रेंस एग्जाम जो है तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पर तुम्हें अप्रूवल मिल जाएगा एंड वहां पर जाकर जो है तुम्हें एक परफेक्ट जॉब के लिए सर्च करना रजिस्टर्ड। यहां पर तुम किसी भी लाइक द RPN के लिए सर्च कर सकते हो, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स के लिए, रजिस्टर्ड नर्स के लिए। तो अगर तुम BSc नर्सिंग करोगे तो तुम रजिस्टर्ड नर्स ही वहां पर बनने वाले हो। तो सैलरी के बारे में बात करें तो $33 पर आवर यहां पर हमें मिल जाएंगे। तो हम बात करें कंप्लीट यहां पर पैकेज के बारे में ईयरली, तो तुम यहां पर देख सकते हो $47,000 से $90,000 पर ईयर जो है तुम्हें मिल जाएंगे। और $1 जो है कितने रुपीस के बराबर है, तो ये वेरी करता रहता है 72 से 75 जो है, तो ऑलमोस्ट तुम जो है कंप्लीट कैलकुलेट कर सकते हो कि इंडियन रुपीस में कितना बनेगा। बात करें नर्सिस इन UAE, कैसे हम वहां पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वर्क करने के लिए ईमेलरी के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितना पैकेज हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले कोतार के बारे में बात करें, एक स्टाफ नर्स को कितना यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम कंप्लीट देख पा रहे होगे कि कितना यहाँ पर तुम्हें पर मंथ मिल जाएगा। तो 9,000 से 13,000 कोतार जो है पर मंथ तुम्हें मिल जाएगा और जो टीचिंग पोजीशन में होंगे वो 11,000 से 15,000 कोतार पर मंथ तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर जो है तुम ईयरली पैकेज भी जो है तुम देख सकते हो। बात करें हम मुस्केट के बारे में और अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में, तो स्टाफ नर्स को जो है 1,35,000 INR पर मंथ यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर टीचिंग के बारे में बात करें 1,50,000 से 2,00,000 यहाँ पर मतलब कि पर मंथ जो है तुम्हें मिल रहे हैं और इससे भी हाई तुम्हें मिल सकता है, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है। बात करें सैलरी इन USA, तो स्टाफ नर्स की जो सैलरी है USA में 3,00,000 INR पर मंथ जो है तुम्हें मिल जाएंगे और टीचिंग में जो है इससे भी ज़्यादा 3,50,000 INR पर मंथ जो है तुम्हें USA में मिल जाएंगे। तो तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हें किस में जाना है। बात करें सैलरी इन कनाडा के बारे में, तो 2,10,000 INR पर मंथ तुम्हें कनाडा में मिल जाएंगे, टीचिंग पोजिशन में सेम ही सैलरी हमें अवेलेबल कराई जा रही है। बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तुम्हें कितने मिल सकते हैं, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो है तुम्हें 2,00,000 से 3,00,000 INR पर मंथ मिल जाएंगे और टीचिंग में जो है अगेन 230 से लेकर 4,00,000 तक INR पर मंथ जो है तुम्हें मिल जाएंगे। तो इंडियन रुपीज़ में तुम आई थॉट तुम खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। UK में सैलरी के बारे में बात करें तो 2,00,000 से 3,00,000 INR पर मंथ और नर्सिस इन टीचिंग पोजिशन जो है यहाँ पर 2,00,000 से 3,00,000 INR पर मंथ। तो ये जो है कंप्लीट हमने बता दिया आपको कि कितनी यहाँ पर जो सैलरी है आपको अवेलेबल कराई जाएगी वहाँ पर जाने के लिए। तो ये सारी प्रोसेस के बारे में तो जो है हमने बात कर लिया कि कंप्लीट यहाँ पर क्या रहने वाला है, कैसे वर्क कर सकते हो। बट बिफोर दैट तुम्हें क्या करना होगा, ये सभी एंट्रेंस एग्जाम जितने भी मैंने बताए वो जो है तुम्हें क्लियर करने पड़ते हैं। तो वो इतने भी आसान नहीं होते कि बिना पढ़े ही क्लियर हो जाए, बट इतने भी मुश्किल नहीं होते कि तुम अच्छे से ट्राई करो तो ना हो। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर तुम्हारा सपना है, अगर तुम्हारा एम है जाने का, तो अभी से ट्राई करने लग जाओ, अच्छे से तुम प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश को बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाना है इंग्लिश में, एंड इसके साथ साथ जो भी तुम्हारे नर्सिंग के जो सिलेबस है वो तुम्हें अच्छे से कर लेने हैं। एज लाइक जो है अब्रॉड जाने के लिए कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो अगर तुम्हें उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी बुक्स हमें रीड करनी पड़ती है अब्रॉड में जाने के लिए, कौन सी स्पेशलाइज्ड बुक्स होती हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट और नेक्स्ट न्यू
न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपलोड से रिलेटेड और कोई डाउट है तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तनु फोगाट वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।